ओम नमः ओम नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो अध्यायारम नमो लोये सवसाहूरम शुद्धात्मान मनिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाजो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम ये झाया झाणिक एकम कलंक दहि नित्य निरंजन नान मैत्र परम नमः समय सारा अनुभूत्या चकाश्री चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय इसी अर्थ का और आगामी कथन का सूचक कलश रूप कार्य करते इस अर्थ का किस अर्थ का इसी अर्थ का मैंने किस अर्थ का ज्ञानी का स्वभाव राग को निषेधने का है। ज्ञान में राग का निषेध बढ़ता है। देखो ज्ञान में राग जानने में भी आए तो भिन्न पने जानने में आता है। ज्ञान में राग जानने में आता है तो कैसे जानने में आता है? राग भिन्न पने जानने में आता है, देह जानने में आती ज्ञान में कि नहीं? ज्ञानी के ज्ञान में देह जानने में आती आती है, लेकिन भिन्न पने जानने में आती। अज्ञानी के ये सब ऐसा लगता है उसे यही मैं हूँ अभिन्न बने ये मेरे ही भाव है। रागादि जानने में तो आता है लेकिन भिन्न बने जानने में आता है और हे बने जानने में आता है। इसीलिए रागादि छोड़ने का उसे निरंतर पुरुषार्थ भी बरतता है और वह पुरुषार्थ क्या है? राग को छोड़ने का पुरुषार्थ क्या है जो ज्ञानी को बरतता है? राग से भिन्न आत्मा की भावना ही राग को छोड़ने का पुरुषार्थ है। राग से भिन्न आत्मा को की भावना ही राग छोड़ने का सम्यक पुरुषार्थ है। आत्म भावना भाते भाते ज्ञानी का राग स्वयं छूटता चला जाता है, छूटता चला जाता है। राग के निमित्त छूटे, राग छूटे तो ज्ञानी को कष्ट नहीं है कुछ, जो उसमें सुख बुद्धि पहले ही छूट गई है। आत्म भावना भाते भाते राग क्यों छूटता जाता है? कि छूटता जाता है ये स्वभाव है, लेकिन अगर अपन सिद्ध करें उसे विचार करें तो राग से भिन्न आत्मा को भाते भाते राग क्यों छूटता जाता है? तो ये राग होता है सुख की कल्पना से। वो आत्मा आनंदमय है, आत्म भावना भाते भाते जीव अपना सुख अपने में अनुभवता है, वेदता है, तो स्वयं ही राग उत्पन्न नहीं है। ये स्वयं की परिभाषा बाल बोधों में पढ़ी होगी आपने, बोलो। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इस अनिश्चित भाषित नहीं होते कारण, अब हम होते में करेंगे अर्थ का, बोलो। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब आत्मा परमेश्वर भाषित होता है, आत्मिक सुख इष्ट भाषित होता है, क्या कहा?
आत्मी सुख अतीन्द्रिय सुख इष्ट भाषित होता है और आत्मा परम इष्ट भाषित होता है। अब परम इष्ट की कल्पना कौन करे। एक भजन है, अब मेरे समकित सावन आया है। एक नीचे लाइन है, भूधर को निकट अव बाहर, भूधर को निकट अव बाहर, निज निर चूगर पायो, निज निरचु निरचु माने चूना नहीं है, चूता नहीं है, टपकता नहीं है उसमें। अब उस घर को निकल करके बाहर को भीगेगा, भीगने कौन जाएगा बोलो। ऐसे अपने सुख में तृप्त ज्ञानी पर में इसकी कल्पना करके राग करने क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, काय को जाएगा। जिसे साम्य भाव रूप धर्म की प्रतीति हो गई उसे भले प्रशस्त राग आया, भगवंतों की भक्ति, गुरुओं की सेवा, सत्पातों को दान, दीन दुखियों के प्रति दया, शील का पालन करना, ये सब भाव आ जाए, लेकिन धर्म कौन मनवा सकेगा इसे। और ज्ञानियों ने इसे धर्म भी कहा है, धर्म का सहचर होने से इसे व्यवहार न से धर्म कहा, लेकिन कौन उसे धर्म मनवाएगा कि ये धर्म बस इसी माता ज्ञा की मर गया। हम धर्मात्मा हैं और ये पाती है, किसे ऐसे विकल्प आ सकता है, इसको अहंकार कौन उत्पन्न। जिसको आत्मा अहम पने भाषित होता है उसे परद्रव्य में अहंकार कौन करा सकता है बोलो। आत्मा अहम पने भाषित होने का भाव क्या है, समझ में आया बोलो। अरे मैं आत्मा हूं ऐसा भाषित होता है, अहम माने मैं। आत्मा अहम पने भाषित होने का मतलब आत्मा है तो मैं हूं, ऐसा जिसे भाषित हुआ उसको ये कैसे लगेगा कि मैं मनुष्य हूं। आपको लगता है मैं मनुष्य हूं, आदमी हूं, तो आपको ये नहीं लग सकता, कभी लगता ही नहीं है कि मैं स्त्री हूं। कदाचित कोई लड़का नाटक में स्त्री का स्वांग बनाए, स्त्री जैसी चेष्टाएं करे, स्त्री जैसे वचन बोले, लेकिन अंतरंग में उसे कब लगेगा कि मैं स्त्री। एक क्षण भी उसे ये विकल्प नहीं आएगा कि मैं स्त्री हूं। क्यों, हर क्षण क्षण उसे ये प्रतीति वर्त रही है कि मैं मनुष्य हूं। ये दृष्टांत हो गया, ऐसे ही ये समझ लेना, जिसे ये अंदर में प्रतीति वर्त रही है कि मैं जायक भाव हूं, मैं आत्मा हूं, उसे ये कभी नहीं लगता। ज्ञान में पदार्थ जानने में आते हैं, ये कहां लगता है कि ये मेरे, ये मैं। आप रास्ते में चलते हैं, आपके ज्ञान में आता है ये मार्केट, ज्ञान में आ रहा है ये, लगता है मेरा मार्केट, ये मेरी दुकान है। बोलो लगता हो तो बताओ। कॉलोनी में घुस जाओ, आपको लगता है ये मेरे घर है, ये मेरी कॉलोनी है। कहने को कह दोगे या अपनी कॉलोनी, अपना घर। वो व्यवहार अलग है, लेकिन उस काल में भी लगता है। आप नीचे चल रहे थे और आपको साथ में एक था प्यासा व्यक्ति, और विकल्प आ गया क्या करे, पानी पिलाना। अच्छा सामने वाली महिला ने देख लिया, हैं चाचा क्या कह रहे हैं आप, अरे इनको पानी पिलाना, अरे तो आओ ना। वहीं आकर के बैठ गए, वहीं पानी पी लिया, पानी के साथ कुछ और खा लिया पी लिया जो कुछ भी हुआ, लेकिन लगता है ये हमारा घर।
जब आपको एक घर में अहमपना अपनापना अहमपना नहीं ममका मेरापना लगने के कारण अन्य घरों में अपनापना मेरापना नहीं लगता तो ज्ञानी को परमाणु मात्र में मेरापना नहीं लगता। अब आगे की बात ही खत्म। मेरा नहीं है सुंदर असुंदर की बात ही खत्म हो गई। मेरा नहीं है हीलवान व्यक्ति को मेरी स्त्री नहीं है बस खत्म हो गई बात। अब उसके बाद सुंदर है कि असुंदर है कोई मतलब ही नहीं कोई विकल्प ही नहीं उस तरह के। ऐसे एक ज्ञानी को मेरा नहीं है सुंदर है क्या सुंदर है हमें लेना देना क्या है। इसकी सुंदरता है तो इसको लक्ष्य करके राग करने के लिए नहीं है दुखी होने के लिए नहीं है और इसकी असुंदरता है तो इसका लक्ष्य करके द्वेष करने के लिए नहीं है। अगर सुंदरता और असुंदरता मान भी ली जाए व्यवहार नये में तो वैराग के लिए है। देखो पाप का फल जिन रूप की विराधना का फल है रूप के अहंकार का फल है ये कुरूपता। विरक्त हो विरक्त ये सुंदर रूप राग करने के लिए नहीं है। अगर आपकी निचली भूमिका में भी विचार किया जाए तो काय के लिए है भेद ज्ञान करके कर्म का फल समझ करके विरक्त होने के लिए भयभीत होकर के सावधान होने के लिए। तो ओ क्या है ये जन रूप के अनादर का फल है ये अपने इस जड़ रूप के अभिमान का फल। क्षणिक है बिना सुंदर रूप देखा क्या है ये जिन रूप के आदर का फल है भक्ति सुंदर रूपम जिन रूप के आदर का फल है जिन रूप के प्रसन्नता को देख करके प्रसन्न होने का फल है। इस जड़ रूप की उपेक्षा का फल है जड़ रूप की उपेक्षा का फल है। अरे वो ठीक है क्या करना रूप होने पर भी शील के पालन का फल है। रूप होने पर भी शील के पालन का फल है। रूप होने पर भी शील का पालन किया मर्यादा में रहे उसे ये सुंदर रूप मिला जिन भक्ति प्रतिमान योग की शैली काय के लिए पुण्य पाप की विचित्रता बता करके पुण्य पाप का फल बता करके बोलो धर्म में लगाना तो धर्म में लगने के लिए है ये रूप। क्या कह रहे ये सुंदर रूप धर्म में लगने के लिए है। खोटा भाव करने के लिए नहीं है धर्म में लगने के लिए। राग द्वेष करके दुखी कर होने के लिए ये सब संसार नहीं है। आपका वैभव है बढ़िया सुंदर गाड़ी बढ़िया बंगला बढ़िया वो आप तो बढ़िया बढ़िया कहोगे आपकी भाषा बोले देते क्या कह रहे हैं ईर्ष्या करने के लिए नहीं है। ईर्ष्या करोगे तो पाप बांधोगे अचंबा है देखो तो अज्ञान स्वयं धनवान होने की अभिलाषा करता है और धनवानों से ईर्ष्या करता है। ज्ञानवान होने की अभिलाषा करे और ज्ञानियों से ईर्ष्या करे तो क्या होगा। अरे बोलो कितने दिन में ज्ञानी होगा। धनवानों की धन की अभिलाषा करे और धनवानों का अनादर करे तो क्या होगा। ईर्ष्या करे तो क्या होगा धनी होगा।
ये वैभव के बाहर के भोग ये राग द्वेष करके दुखी होने के लिए नहीं है, ये कह रहे सीखने समझने के लिए है। ये क्या है, ये दान किया है, पहले पांच दान किया है। किसी का वैभव देखो आप, व्यसन का सेवन कर रहे हैं, ठिकाना नहीं है, वैभव पापान मंदी पुण्य का फल है। ये पापान मंदी पुण्य के फल है, अन्याय कर रही है और अपने लूट मार में लगे, कोई नहीं पूछ रहा, अपने आराम से। अरे आराम से नहीं है, उन्हें पूछो आराम से है कि दिन रात आ को लेते। बाहर से नहीं भीतर से देखो, इस शरीर को भी बाहर से नहीं भीतर से देखो, आत्मा को भी बाहर से नहीं भीतर से देखो। इन धनवानों के छाटवाट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बाहर से नहीं भीतर से देखो। वैराग्य भावना में एक लाइन है, किसी के दुख बाहर दिखे, आया किसी को तो बाहर में दिखाई दे रहा है, ये रोगी है, दरिद्री है, ये बीमार है, ये ऐसी है, इनकी स्त्री ऐसी है, हैं दिन भर कलह रहती है, इनके घर में इनका बच्चा ऐसा है, ये बीमार है, फलाना है। और किसी के बाहर में क्या दिखाई देता, पुण्य का उदय, वो क्या बढ़िया। लेकिन भीतर देखो तो क्या है, जहाँ अज्ञान है वहाँ राग आदि भाव है, वहाँ दुख है। राजा को पूरे राज्य में एक सुखी व्यक्ति नहीं मिला जिसकी कमीज पहन के सुखी हो जाए, तो कमीज पहन के सुखी होने की कोई विधि नहीं थी। जानते थे मुनराज जी कि ये अंत में निराश हो जाएगा, फिर कुछ सोचेगा, तब पात्र होगा धर्म का, इसलिए ये बात कही थी कि भैया तू सुखी की कमीज पहने। उन बाबा जी को भी मालूम था ये सरसों के दाने इसको मिलेंगे नहीं, ऐसा कोई घर ही नहीं है जहाँ मरण नहीं हुआ, वो जन्म हुआ है वहाँ मरण है, सरसों के दाने नहीं मिलेंगे। लेकिन अंत में ये समझ जाएगी और इसका शोक खत्म हो जाएगा, इसलिए कहा भाई एक काम कर दू, एक साथ सरसों के दाने लिया, इतनी भलाई। अरे इतनी काय को हम भूल गए, उस घर से लाना जिस घर में किसी मरण नहीं हुआ। अब ये जानते थे ना ऐसा कहीं मिलेगा ही नहीं, और नहीं मिलेगा तो अपने सचेत हो जाएगा, वो हमें अकेले काय को रो रहे, संसार का ही नहीं। भाई सीधे सीधे नहीं समझे तो युक्ति से समझाने की ये विधि है। ये पापानुबंधी वन का है, पुण्य का फल है कि अपराध करते हुए भी बाहर में दंड के निमित्त नहीं मिल रहे, अपने फल फूल रहे। ये जो प्रश्न आपको होते हो कदाचित आपको, तो आप क्या होंगे, स्वाध्याय करने लगे थोड़ा सा, लेकिन मन में तो अभी ये क्या है। नहीं भैया, ये पाप अनुमंदी पुण्य के फल हैं। आपका कोई अगर अपराध बन जाए और आज ही दंड मिल जाए तो बहुत पुण्य उदय, समझना ये कह रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए और अभ्याल की अभ्याल दंड मिल जाए तो बहुत पुण्य का उदय, समझना वो गलती आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं की वहीं रुक गई, आगे नहीं भोगने पड़ेंगे। और अगर आपको दंड नहीं मिला, आपके हौसले बढ़ते जाएंगे, आपके अपराध बढ़ते जाएंगे, कहाँ भोगोगे। आज आपसे कोई अपराध हुआ तो आज फांसी तो नहीं लगेगी, एक बात दृष्टांत बता रहे बाहर का, फांसी तो नहीं लगेगी भाई। भाई ज्यादा ज्यादा 2000 रुपये जुर्माना हटा, छुट्टी, चलो 2 घंटे की बंद सजा मिल गई, फांसी तो नहीं लगेगी। लेकिन अगर आज दंड नहीं मिला और आपके हौसले बढ़ते गए और अपराध बढ़ते गए तो एक दिन फांसी लगने का मौका लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो आप।
बाहर से देखने वालों को जिन धर्म समझ में नहीं आता, जिन वाणी समझ में नहीं आती, बाहर से देखने वाले माने बहिरात्मा, गाढ़ मिथ्या दृष्टि हो, तीव्र मिथ्या तो है, उनको जिन वाणी समझ में ही नहीं आती। बहुत तेज दर्द हो, बहुत तेज बुखार हो, आंखें भी नहीं खुलती, ये समझ लो आप। ये समझ में ही नहीं आता क्या कह रही है। और कदाचित पुण्य क्या उदय हो, पापन मंदी पुण्य का तो आगे उड़ा, अरे क्या ठीक है, इनका काम कहने का है, अपन का अपना काम कर। इनका काम कहने का कहने ये साइकोलॉज, ये मन से बिल्कुल निकाल देना, इनका काम कहने का कहने दो। नहीं भैया, ये करुणा से कह रहे, काय के लिए कह रहे, भाव मरण के टालने के लिए, क्योंकि भाव मरण के टले बिना दर्द मरण नहीं चलेगा। एक आध दिन तो समय सारी स्थिति भूल लिया करो भाई, पूरे 10 लक्षण हो गए। संसारी जीवाना भाव मरणो चालवा करुणा करी। अरे भैया, ये उपदेश तुम्हारे भाव मरण के मिटाने के लिए है, और भाव मरण मिटेगा तो द्रव्य मरण तो अपने आप मिटेगा, भाव कर्म मिटेगा तो द्रव्य कर्म तो अपने आप मिटेगा। भाव कर्म निरोध ही ने द्रव्य कर्म निरोधनम, द्रव्य कर्म निरोध ने नो कर्म से निरोधनम, नो कर्म से निरोध ने संसार खत्म हो गई। अरे मैन चाबी बंद कर दी, अब बीजी तो जी सब अपने आप बंद हो जाएंगे। मेन क्या भी बंद है, भाव मरण कोटा। रायचंद जी ने कोई बात लिखा, भाव मरण सवेरे उठे द्रव्य निद्रा टूटी, भाव निद्रा को टालने का उपाय कर। सवेरे उठे द्रव्य निद्रा टूट गई, ये आंखें खुल गईं, अब भाव निद्रा को टालने का उपाय कर। भोंदू भाई खोल ये की आंखें, ऐसा भजन लिखा है। भाव निद्रा के टालने का उपाय, या भाव मरण के टालने का उपाय, या भाव कर्म के टालने का उपाय क्या है, बोलना। मैं एक ज्ञायक भाव, शरीर में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं। समय सार नाटक में क्या पढ़ रहे थे आप, बोलो, जो हमें दिखाया था ना, क्या पढ़ रहे थे? अरे चित्र सारी न्यारी, तुम्हें ये भाव नहीं आता, इसको याद कर ली, मैं रख दिया, हमें दे दो, हमें दिखा दो। अरे हमें ठीक है, चित्र सारी न्यारी मने शरीर न्यारा, तेज न्यारी, चादर भी न्यारी, यहां झूठी मेरी थपना। भाव निद्रा टालने का उपाय क्या है, ऐसा चिंतन करो। प्रभाती में लिखा, सवेरे उठो, भगवान का स्मरण करो, और तत्वों का भी चिंतन करो भाई। बिना तत्व चिंतन के क्या होगा? संस्कार 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 संस्कार, अरे संस्कारों के नाम पर केवल क्रियाओं के संस्कार में संतुष्ट मत हो जाओ। ए, रोज पूजा करना, हाउ मत कर, इतने लोगों ने पूजा के नियम ले लिए, संस्कार पढ़ते साहब, ठीक है, अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन इतने मात्र से कुछ नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखो। स्वाध्याय के कर, जमीकंद नहीं खाओगे, बाजार का कुछ नहीं खाओगे, ठीक है भाई,
निगेटिव निगेटिव करते हो, इनसे कहो जिनको ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को कहो बाजार के मत खाओ, अरे घर पे बना के खिलाओ। मुंदाज थोड़ी हो गए अभी, अब घर पे जब तुम नहीं बनाओगे तो बाजार का खाए नहीं और घर का बनाओ नहीं तो क्या गलती कौन की है? अब हम क्या करें, अलग से मीटिंग नहीं है तो यही मीटिंग समझ लो, हम क्या करें? इतना मैंने दिमाग बैठा हो जाता सुन करके, अगर सुन भी लें एक चीज आगे बढ़ाते हैं। तो प्री वेडिंग की हम कह रहे थे, पहले वो संगीत तुम उसकी कई महिला संगीत थी, उसके नाम पर क्या फूड़ प्रदर्शन होते, और फिर वो प्री वेडिंग की, चलो भाई सगाई तो भाई अब वो क्या हो गया, अब क्या शब्द वो, अब हमें शब्द भी तो नहीं आती। मैंने इतने गंदे शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते, पढ़ने गए शादी सगाई सगाई फगाई कछु नहीं है, लड़का लड़की कमरों में रह रहे, अरे तुम्हारा अधिकार है तुम्हारी, ऐसी पढ़ाई बाहर में जा रही। हम कहते हैं शिक्षा को शिक्षा कहेंगे तो कुशिक्षा किसको कहेंगे, अज्ञान किसको कहेंगे? स्वामी जी का मर्यादा से आज ऐसे कोई बहुमान करे तो क्या कह देते, ऐसा बहुमान भाड़ में जाए परंपरा बिगाड़ दे। कई प्रसंगों में, लेकिन अब क्या करें, आप उन वाक्यों को देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, अब हम क्या करें? क्या होगा इस पैसे का और क्या होगा इस शिक्षा का तुम्हारी का, जब सील नहीं है तमाम रोग, तुम भयंकर रोग खड़े हो गए, अब कैसे मरोगे कैसे जियोगे? सोचो शांति से मरने, मर भी नहीं पाओगे, जीने की बात तो बहुत दूर है। शांति से मरण भी नहीं हो पाएगा। दो शब्द कान में पड़ रहे, साधर्मी निकट है और देह छूट रही आनंद से, शांति से मरण भी नहीं हो पाएगा, जीने की बात तो बहुत दूर है। अगर शांति से जीना है और शांति से मरण होना है, अगर आपका ये सोच है लक्ष्य है, तो आप जिनवाणी का स्वाध्याय करिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करिए, प्राण दे करके भी रक्षा करने लायक है। हम अनपढ़ भले, हम ये कह रहे स्कूल चलाते हैं, एक भाई आया जैन नहीं, कोई होगा कोई अधिकारी हो कोई कर्मचारी कोई भी हो, भाई तीन साल की बच्ची एडमिशन के लिए आया, उसके शब्द बता रहे हैं हम आपको। बोला सर एडमिशन होना है, बोले देखो साहब हमारे एक ही बिटिया है और एक ही रहेगी, बड़ी आशा से दुनिया देख दाख करके आए, ये बेटी हम आपको सौंप रहे हैं, जैसी सौंप रहे तैसी रह मिले। मैंने कितना भयंकर दृश्य है, पढ़ाई में कम हो जाए कोई बात नहीं है, ये पढ़ाई तो सब हो जाएंगी। बड़ा माइक बच्चे देखो, पढ़ाई कम हो तो हो जाए, हमने इस बच्चे को यहाँ क्यों रखा है इस स्कूल में, क्या संस्कार पड़े यहाँ, कुछ पढ़ाई तो हाल हो जाएगी, उसमें कोई दम नहीं। वो तीन साल की बच्ची के लिए चिंतित है कि हम कहाँ एडमिशन कराएं, कहाँ पढ़ाएं, क्या करें क्या नहीं करें। आराम से बैठे और बस सो रहे हो, गा रहे बजा रहे नाच रहे कूद रहे। भगवत का हमने एक बहुत पहले सन्यासी एकांकी पढ़ा था, एकांकी का नाटक ये दो तीन चार अंक होंगे उसमें। तो साधु लोग अपने बैठे बैठे मजीरा बजा रहे गा रहे हैं, उधर देश के ऊपर पराधीनता का लिखा हुआ नाटक, उस समय अंग्रेज जवानी ने उसको जब्त कर दिया था, रोक दिया था।
आया वो बंद करो जी मजीरा वजीरा सबरी, देश संकट में है, महिलाओं की इज्जत संकट में है, हमारा धन संकट में, हमारा धर्म संकट में, मजीरा बजा कर रहे हो, निकल पड़ो आ जाओ मैदान में। इतना जागृत और सावधान और सचेत होने की बातें हैं। सोचना चाहिए हमको, ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, क्योंकि हम इस पाप को पाप समझते हैं, और जो उस पाप को पाप ही नहीं समझते उनसे कहेंगे तो क्या कहेंगे वो, कहेंगे अरे कौन जमाने में जी रहे हो आप, दुनिया कहाँ पहुंच गई। एक भाई बोले वो अमेरिका, हमने कहा कि ऐसी ऐसी कपड़े लड़कियां पहनती फलाना, तो बोले और इसी तो क्या करें, अब वहां तो हंसी के पास हो जाएंगे अगर ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो। तो हमने कहा फिर भी बताओ अमेरिका की संस्कृति लाओगे तो अमेरिका की विकृति भी आएगी संग में। वही साहब अमेरिका वगैरह हम पहनते वहां तो ये घटनाएं नहीं घटती, नहीं घटती, उन घटनाओं को अनर्गल वो कुशील नहीं मानते, बस घटनाएं तो रोज घट रही है, सारी बीमारियां, सारी आत्महत्याएं, सारी दुर्घटनाएं वही हो रही है, सबरी कैसी बातें कर रहे हैं, नहीं घटती उनको तो कुछ नहीं लगता कि ऐसे पहने ऐसे पहने ऐसे पहने, तुमको नहीं देखा तो तुमको बुरा लगता है, ये आज का फैशन है, आज की व्यवस्था है, अरे आज की व्यवस्था नहीं है ये पाप की व्यवस्था है। आंखें बंद मत करो, आंखें देखने के लिए हैं, उचित अनुचित हिंसा हिंसा दुखी धर्म कुधर्म ये सब देखने के लिए है आंखें, आंखें बंद मत करो, उस खरगोश की तरह। तो दस्तरंगणी में पंडित तीर्थचंद जी ने खरगोश का एक दृष्टांत दिया। खरगोश का एक बच्चा था, तो बेचारा चल रहा था, उधर से शिकारी आया, उसने देखा, अब वो बेचारे उस बच्चे ने भी देख दिया खरगोश के लिए, और उसने सोचा अब ये हमें पकड़ेगा तो भगत। अब खरगोश कितना बढ़ पाया क्या करे बेचारा, और वो शिकारी तो भैया भगने को, अब उसने कहा क्या करें, अब ये तो शिकारी अभी भी आ रहा है, शिकारी अभी भी आ रहा है, शिकारी अभी ऐसे मुड़ मुड़ करके देख रहा था। अब उसको एक दुर्विकल्प खड़ा कुतर्क खड़ी हो गई, उसने दिया और वहीं अपनी आंखें बंद कर ली, अब शिकारी दिख ही नहीं रहा है ये खत्म, अब क्या करना, अपने आराम से सुरक्षित है क्या, अपनी आंखें बंद कर ली और बस, अब क्या है कुछ मतलब ही नहीं है, शिकारी आ नहीं रहा, शिकारी आया पकड़ लिया। ऐसे हम ये कह रहे हैं इन पापों की ओर से आंखें बंद मत करो, इन कुरीतियों की ओर से आंखें बंद मत करो, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। उस नेता ने कब कहा था, अहिंसा परमो धर्म को अहिंसा को परम धर्म करने कहने वाले जैनियों, अहिंसा के प्रसार की प्रभावना की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जिन्हें अहिंसा हिंसा से कोई मतलब नहीं बेकार को जाने लगेंगे, इस अहिंसा के प्रभावना करने की जिम्मेदारी भी आज नहीं कल आपको लेनी पड़ेगी। जब हम और आप इनको बुरा मानते ये तो बहुत बुरा है, ये तो घर बर्बाद हो रहे, हम आपसे कहते हैं पानी पीने कहाँ पानी पियेंगे हम, आप काहे को कह रहे आपको क्या लेना देना, अरे हम पूछे पानी कहाँ पियेंगे जो बता। सोचने समझने की जरूरत है। एक व्यक्ति शराब पी रहा था तो एक उसको डांट रहा था, ड्राइवर था ड्राइवर, उसको डांट शराब मत किया था, तो एक निकल पड़े वैसे ही, बोले साहब आपको क्या मतलब, आप काय को डांट रहे, आपको क्या लेने देने, आपका क्या संबंध इससे, संबंध पूछ रहे हो क्यों भाई, ड्राइवर शराब पी कर की गाड़ी चलाए कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मरेगा कोई नहीं, उसमें हम नहीं होंगे ये गारंटी है, लिख के दे पट्टा लिखो, हमारा कोई नहीं होगा, हम नहीं होंगे, बोलो। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं,
हम नहीं होंगे और हमारा कोई नहीं होगा, बता लिख के देखो। अगर उस बीच में चपेट में हम आ गए तो हम चले जाएंगे, और कोई भी बच्चा आ गया बच्चा चला जाएगा, अगर कोई रिश्तेदार आ गया रिश्तेदार चला जाएगा, हमसे क्या संबंध, ये पूछते हो। यही तो विपरीत सोचें खाए जा रही हैं, और क्या कर रही हैं। अपन को कोई मतलब नहीं, वो जल रहा है वो जल रहा है वो जल रहा है, जो स्टोव देश में लिखा है पूज्यपाद स्वामी ने कि जलते जंगल में बीच पर वृक्ष पर खड़े होकर के देख रहा है, वो पेड़ जल रहा है, वो भैंस जल रही है, वो गाय जल रही है, वो फलाना जल रहा है, और तू तो निकल जा जल्दी भैया। अरे भामाशाह राजस्थान में तो कम से कम भामाशाह का गौरव है ही, अरे पूरे देश के लिए गौरव है, हम सबको गौरव होना चाहिए। हम जैन हैं, भामाशाह जैन था, ये गौरव होना चाहिए हमको। लेकिन आज हमारे बच्चों को पता नहीं है भामाशाह जैन है, ये किसकी कमी है, हमारी आपकी किसी और की है, बता। आज हमारे बच्चों को ये पता नहीं है भामाशाह जैन है, और जैनों ने इस देश के लिए स्वतंत्रता के लिए कितना त्याग किया है। बस वे खुद अपने को बनिए समझ रहे हैं, हमें क्या करना है। स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का कितना योगदान है जैनों को पता नहीं है। घर घर में आपको पढ़ाइए होना चाहिए, आपको स्वाभिमान रहना चाहिए। जैन कायर नहीं होते, जैन गद्दार नहीं होते, जैन बेईमान नहीं होते, जैन चोर नहीं होते। जो आरोपण जैनों पर लगाए जाते हैं, अगर किसी जैन ने वो काम किए हो तो उन्होंने अपने जैनत्व को समझा नहीं है, वो कर रहे हैं। जैन कई चोर नहीं होते, जैन अनाचारी नहीं होते। हम कह रहे आज हम क्या कहें, आज भी देख लो अपराधों की लिस्ट में जैनों की सबसे कम संख्या होगी, न के बराबर। संख्या में भले कम है, क्वांटिटी कम है, लेकिन क्वालिटी में आप क्या समझ। बहादुर जो होते थे, अरे शत्रु की सेना इतनी, अरे एक एक तो हम 100-100 के लिए बहुत हैं। क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो। अपनी समाज, अपनी और अपने घर की और अपने समाज की क्वालिटी बनाए रखो कम से कम। बिना सोचे समझे फैशन की दौड़ में मत दौड़ते जाओ, मत दौड़ते जाओ, मत दौड़ते जाओ अंधे होकर के। महापुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखा, अंधा यदि दौड़ेगा तो गंतव्य पे भैया पहुंच जाए तो पहुंच जाए, नहीं तो कऊ गड्ढा में गिरेगो, कोई कांटे खिंच जाएंगे, कहूं एक्सीडेंट में लग जाएगा, अस्पताल पहुंच जाएगा। अगर वो गंतव्य पर पहुंच जाए तो आश्चर्य है, न पहुंचे तो कोई आश्चर्य। ये समझो, नहीं पहुंचेगा अगर गंतव्य दूर है तो। ऐसे ही ये अनजान मार्ग और स्वयं अंधा हो रहा है, अज्ञान से मेरा अंधा नाम, और जिनवाणी का अवलंबन न देवे, गुरुजनों की संगति नहीं करे तो मार्ग पर पहुंच जाए तो आश्चर्य है। जो तुम कर रहे हो करते करते सुखी हो जाए तो आश्चर्य है, सुखी न हो तो कोई आश्चर्य नहीं। शांति मिल जाए तो आश्चर्य है, शांति न मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। चित्रम के मत हमारी बाल बच्ची न बिगड़े तो आश्चर्य है। पाठशाला भेजने के लिए टाइम नहीं है, उसको होमवर्क करना पड़ता है, वो कोचिंग करता है, इसलिए वो रात को आता है। अब क्या करें, वो खाए नहीं तो क्या करे वो। ये पक्ष लेती हैं, ये माता पिता पक्ष ले रहे, ये नहीं कह पा रहे ऐसी कोचिंग हमें नहीं करानी, ऐसी पढ़ाई हमें नहीं पढ़ानी, पढ़ गए घरे बैठो। क्या भूखा नहीं मर रहे, हमारे पास इतने धंधे, हम 10 को नौकरी दे लेंगे। और ऐसे परिणाम से भैया पुण्य होगा,
पाप नहीं होगा, आपकी उन्नति होगी, अवनति नहीं होगी, पैसा बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा, कैसी बातें सोच रहे आप। एक डॉक्टर था, कैंप लगा आंखों का, 20-25 साल पहले की बात है, तब वो हरी पट्टी बन रही थी, चार चार छह छह दिन तीन पट्टी होती सब की बात है। तो एक वो जैन ब्रह्मचारी था, वो पहुंच गया तो बस आंखे बोले दवाई खा। अब वो दूसरे दिन उसने क्या किया, वो पट्टी बांध दे, तो दूसरे दिन वो मंदिर चला गया, पास में मंदिर था, मंदिर चला गया और वो अब डॉक्टर नाराज। इसीलिए तो हम जैनों का ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं करते, खराब हो गई, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, मानते हो नहीं तुम, मंदिर चले गए, नहा लिया, ये कर लिया, कोई बात। उसके बाद वो साहब पट्टी खोली, डॉक्टर ने पट्टी खोली, बोलिया भाई धर्म में कई शर्त तो है, तेरी आंख है तो बढ़िया। आंख तो बढ़िया बनी, तो डॉक्टर साहब आप जैनों का करोगे कि नहीं करोगे ये पता। मतलब तुमको ये लगता है अगर हम ये इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे, हम अनपढ़ कहलाएंगे, हम भूखन मर जाएंगे। अरे ऐसे नहीं है, पूजा पढ़ते हो तो ये बातें, ये सोच बदल लेना चाहिए। और अगर ये सोच को सच्ची समझते तो पूजा छोड़ दो आप, बोलो क्या करोगे, सोच बदलो, पूजा छोड़ने से काम नहीं। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, ये पुण्यावाचन कराते हैं, इनसे पूछो पुण्यावाचन में क्या लिखा है ये बताएंगे। जिन धर्म भक्ता नाम, बोलो क्या लिखा है, ज्ञान वैराग्य अकेला नहीं लिखा है, ज्ञान वैराग्य तो बढ़ता ही है, लेकिन बाहर में पुण्य बढ़ने से ये सामग्री भी अपने आप बढ़ती है, प्रतिष्ठाएं भी बढ़ती हैं, लोक में यश भी होता है, व्यापार भी ऐसे ही चलेंगे आपके यहीं से। इतने लोगों में से अगर कहीं कोई किसी को खरीदना हो कोई चीज और यहाँ बैठे तो इनकी दुकान पे चला, ये अपने स्वाध्याय से जुड़े हुए, बड़ा व्यापार बढ़ेगा कि नहीं, इतने ग्राहक आपको मिल जाएंगे, हंस रहे हो आप, और यहाँ नहीं आओगे तो होगा को क्या करना, अपन चार कहूं से ले ले। लेकिन ध्यान रखना, अगर धर्म की ओट में ठगने की और लूटने की कोशिश करी तो महापाप लगेगा, ठप हो जाएंगे व्यापार। पढ़ाई की ओट में सील को लूटने की लुटाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, न पढ़ाई होगी न सील रहेगा। ये तुम दृष्टांत भी दे रहे हो या मतलब तुम नहीं दे रहे हैं तो ये आप ये निश्चित समझना, ऐसे ही लोगों का पतन होना है। प्रलय आएगी ना, प्रलय कैसे आएगी, बोलो कैसे आएगी, ये प्राकृतिक प्रकोप होंगे, ठीक है तुम नहीं सुनोगे, राजा नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, अधिकारी नहीं सुनेंगे, कर्मचारी नहीं सुनेंगे, पुलिस नहीं सुनेगी, कोई नहीं सुनेगा, हम अपने चुपचाप है अपने चिल्ला चिल्ला के रह जाएंगे, तो कोई नहीं सुन, छोड़ो क्या करना। लेकिन जब प्राकृतिक प्रकोप होंगे, भूकंप आएंगे और जी लहरें आएंगी और जी फलाना होगा, तब क्या करेंगे, बेहू तो ऐसे ही लोगों के पास आएंगे, आप घबराना नहीं, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता, बाहर के दंड का निमित्त नहीं बने लेकिन भीतर कर्म तो बने ही रहे, उनका तो उदय आएगा। और नहीं तो एक काल अवसर्पणी काल है, घटती घटती सामग्री क्यों होगी बताओ आप, और नहीं तो आप एक नगर का सर्वेक्षण करो, किसी भी नगर का, पहले कितना सोना पहना जाता था आज कितना पहना जाता, 10% भी नहीं है, नकली पहने फिर रहे बेचारे,
हंसने की बात नहीं है, नगड़ी पहने फिर रहे सो, ये क्या हुआ? वो जंजीर पकड़ने वाले ने पकड़ा उसका वो जंजीर, और फिर वो उसने ये क्यों इतने बड़े कर दिया, नकली पहन दिया। मतलब ये दुर्दशा तो है ही, हमारा मतलब ये है भैया सोना पहनने के लिए पुण्य चाहिए, चक्रवर्ती का भोजन करने के लिए पटरानी नहीं समर्थ है। जो चक्रवर्ती 32 ग्रास उस भोजन को करती है, पटरानी 1 ग्रास कर पाती है उस समय, और आज तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? पचेगा नहीं। अरे चक्रवर्तियों की बातें छोड़ लो, अपने दादा वगैरह के समय के भोजन पचा नहीं पाओगे आप? ऐसे चूरमा बाटी खा जाते थे भाई, देखा तो नहीं है लेकिन हमने सुना है। उस चोटी वाले बोलते थे, सागर बोलते थे लोटे, सागरों से घी परसा जाता है, पानी नहीं परसो जाता है। बरात आई, पंगत हुई, भैया आज तो ऊपर छत धुलवाई जाती थी, सब साफ होते थे, नीचे अपने पूजा दर्शन करके आए सब अपने ओड़े बैठे आराम से, और बस पैर धोते धोते ऊपर पहुंचे और बाटियां बनी हैं, तो बाटियां सब रही सब, और बढ़िया उड़द की दाल और ये फलानी तमाम चीजें, और वो चूरमा मैंने घी तो पैसे ही पड़ो, और सागर लेकर घी और को रहे। आज कहा खाओगे, कहा पियोगे? इडली डोसा बा में घी और चीनी को नाम नहीं है, इडली बनेगी, मैंने घी का नाम ही नहीं है उसमें, मैंने हमारा मतलब ये है भोग भी घटे हैं, शक्ति भी घटी है, क्यों परिणाम घटे हैं, पुण्य नकली है तो खाने पीने की सामग्री भी नकली सब मिल रही तुम्हें। असली पुण्य होगा तब असली सामग्री मिल पाएगी तुम्हें। कहाँ पहुंच गए हम भी, समय सार के असार पर पहुंच गए, फिर आ जाओ समय, सुनो समय सार के असार पर पहुंचे क्या शिक्षा लेना है? ये सब समय सार की विराधना का फल है, ये सब समय सार को दर्शाने वाले गुरुओं की विराधना का फल है। मानो पूत बड़ों की सीख नहीं, ले कटोरा मांगो भी और भी तो नहीं मिलेगी, फिर ये सब समय सार की विराधना का फल है, और समय सार को दर्शाने वाले गुरुओं की विराधना का फल है। अगर समय सार को दर्शाने वाले गुरुओं की भी संगति की होती, उनके वचनों का आदर किया होता, तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। कल्याण मंदिर सूत्र में लिखा है, कल्याण मंदिर जानते होंगे, स्तोत्र पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र है, कुमुदचंद्राचार्य का, कल्याण मंदिर मुदार मबज्जि, कल्याण मंदिर पहला शब्द है इसलिए कल्याण मंदिर स्तोत्र नाम रखा। एक ही भावम कतिव मया, एक ही भाव पहला शब्द तो एक ही भाव स्तोत्र लिया, और भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रमा, भक्तामर स्तोत्र नाम रख दिया, पहले पहले अक्षरते ही नाम रख दिए। और एक ही भाव स्तोत्र में भगवान की भक्ति करते हुए पहले ही छंद में कितनी अलौकिक अद्भुत बात कह दी, हे भगवान जो अच एक ही भाव भयो मानो अनिवारी, सो मुझ कर्म प्रबंध करत भव भव दुख भारी, ताहि तिहारी भक्त जगत रब जो निर्वार है, तो अब और करे कौन सो न दिया। जो हमारा शरीर में एक ही बुद्धि हो रही, एक ही भाव हो रहा है, वह एक ही भाव ही कर्म बंध का कारण हो रहा है। युवत एक ही भाव भयो मानो अनिवार्य, ऐसा हो रहा है कोई सब एक ही धारा में बह रहे हैं,
शरीर है तो मैं हूं, शरीर है तो मैं हूं, शरीर है तो मैं हूं, एकत्व बुद्धि ये कर्म के बंध का प्रमुख कारण है। सो मुझ कर्म प्रबंध करत भव भव दुख भारी, ताहि तिहारी भक्ति जगत रब जो निर्वार है। हे भगवान, आपका दर्शन, आपकी भक्ति उस एक ही भाव को, कौन सा एक ही भाव, शरीर में एक ही भाव, एकत्व बुद्धि का नाश कर देती है। तब और कौन सा दुख होगा जो नष्ट नहीं होगा। जिसका मोह नष्ट हुआ उसका संसार नष्ट हुआ ये समझ लेना चाहिए। जिसने आत्मा जाना उसने क्या नहीं जाना, सब कुछ तो जान लिया, जानने योग्य। और जिसने आत्मा नहीं जाना तो क्या जाना। आत्मा को जाने बिना किसके आश्रय से सुखी होगे। एक लड़की का विवाह अब तो बंद हो गए, कम हो गए, अब दूसरे रूप बदल गए उसके। लड़की पहले वृद्ध विवाह बहुत चलते थे, पैसा लेके दलाल लोग अपने लड़की को बेच दिए, बेच नहीं है एक तरह का, वृद्ध के साथ उसका विवाह कर दिया। तो कुतर क्या दिया, अरे बाकी घरे का कमी, सोनों से मर जाएगी लड़की। और वो अरे सोने से मर जाएगी तो सुखी हो जाएगी, जब पति नहीं रहेगा विधवा हो जाएगी तब क्या करेगी। वो कुरीति है कि सुरीति। अरे भाई कमाने लायक बर हो, स्वस्थ बर हो, संस्कारी बर हो, लड़की सुखी रहेगी लौकिक दृष्टि से। अब वो वृद्ध है बेचारो, आशक तो वैसे ही है और व्यसनों में पड़ा है, अब पैसा खुए, पैसा क्या करोगे। उन घरों में लड़की कभी देना भी नहीं, सुखी नहीं होगी। पैसा के संग विवाह हो रहा है कि बर के साथ विवाह हो रहा है। ऐसी संपदा का काम की, तो ऐसे ही सोचो, जो संपदाएं हमें अपने धर्म से दूर कर रही हैं, अपने से दूर कर रही हैं और अपनों से दूर कर रही हैं। अपने से दूर कर रही है, जो शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पैसा हो, चाहे कमाई हो, चाहे तुम्हारी पद प्रतिष्ठा हो, जो अपने से और अपनों से दूर कर रही है, वो सुख का कारण कैसे होंगे। कोई छोटा सा बालक, छोटा सा, बड़े की नहीं कह रहे, दूध पीता बालक माँ से दूर रह करके सुखी हो पाएगा। जब वो छोटा बालक माँ से दूर रह करके सुखी नहीं हो पाएगा, तो आप जिनवाणी से दूर रहकर सुखी कैसे होंगे, मुझे बताओ। अरे अपने पैरों तो जब खड़ा होगा तब होगा, जब नहाना सीखेगा तब सीखेगा, खाना सीखेगा तब सीखेगा। अभी तो माँ है, जब मंदिर जाना सीखेगा तब सीखेगा। अभी तो माँ है ना, अभी तो उसको क्या कहें, सोच नहीं आता, सोचना नहीं आता, जिसको गांव की भाषा में कह रहे, माँ है उसके लिए। माँ से दूर रह करके बच्चा क्या होगा बताओ। जब माँ से दूर रहने वाला बालक सुखी नहीं हो सकता, तो जिनवाणी से दूर रह करके आप कैसे सुखी हो पाओगे। जिनवाणी पढ़ो और जिनवाणी पढ़ाओ। आपको मालूम है इतिहास, इतिहास मालूम है, जब स्वतंत्रता संग्राम गांधी जी ने चलाया तब एक काम ये भी किया, भाई अपने विद्यालय बनाओ जिनमें हिंदी पढ़ाई जाए, हिंदी के पाठ लिखे गए, हिंदी की किताबें लिखी गई उस समय। क्यों, पाश्चात्य संस्कृति के कॉलेज, पाश्चात्य संस्कृति की व्यवस्था, वही सब भाषा। अब अपनी भाषा नहीं, अपने शास्त्र नहीं, अपनी संस्कृति नहीं, अपने काम नहीं, तो सीखेंगे कहाँ, पढ़ेंगे कहाँ। लेकिन ये ऐसे अंग्रेज पैदा हुए, भाई क्या करें हम। इन्होंने उन अपने विद्यालयों में अंग्रेजी लाई, हिंदी को हटा दिया, धर्म की पढ़ाई बंद कर दी। धार्मिक विद्यालय जितने खोले थे बर्णी जी ने, कितने खोले थे। और सर्वेक्षण करो उनमें कितना धर्म के घंटे लगते हैं, नैतिक घंटे कितने लगते हैं।
कुतर्क ये है हम साथ धर्म पढ़ा नहीं पाएंगे सरकार का। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म पढ़ाने के लिए कहीं सरकार की रोक नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर तुम अपना संप्रदाय पोष करो, राग द्वेष फैलाओ, इसके लिए रोक लगी है। घृणा पैदा करो दूसरों के हृदय में, उसके लिए रोक लगी है। सांप्रदायिकता का निषेध है, धर्म का निषेध नहीं हो सकता। जो पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, पहले कम से कम। कौन सरकार है, कहाँ है, लाओ सामने। सत्य पढ़ाने के लिए कौन रोकता है आपको? अहिंसा पढ़ाने के लिए कौन रोकता है? चोरी रोकने के लिए, अचोरी पढ़ाने के लिए कौन रोकते है आपको? कौन कहता है कि इस विद्यालय के में बच्चों को चोर बनाना सिखा, व्यभिचारी बनाना सिखाओ, बेईमान बनाना सिखाओ? बोला कौन कौन सी सरकार है, कहां ले तो आ भैया कहीं किसी को। आप अहिंसा पढ़ाइए, सत्य पढ़ाइए, चोर अचोर पढ़ाइए, सील पढ़ाइए, संतोष पढ़ाइए, क्षमा पढ़ाइए, प्रेम से प्रेम सिखाइए, आप बात्सल्य सिखाइए, कौन रोक रहा है? अब तुम पहले ही बस खाली पूजा कराने लगो तो दुपट्टा उड़ाएगा बस। आज हमारी भी भूल हो जाती है, यहां बैठने वालों की भी। कोई नया आदमी आया, उसने दुपट्टा उड़ाया, पूजा करा दी। बैठा रोज पूजा करता है। अरे भाई रोज पूजा करता, पहले स्वाध्याय सिखाओ। और बस अगर मंदिर में कोई आने लगा स्वाध्याय में, वो जैन हो गया। अरे इतने मात्र से जैन नहीं होगा, जैन श्रावक दीक्षा होती है, नियम विधि होती है, उन संस्कार विधियों को ग्रस्ताचार्यों को प्रतिष्ठाचार्यों को लागू करना चाहिए, सोचना चाहिए। और लिखा तो सब है, जब आप विधान कराओगे और इंद्र प्रतिष्ठा कराओगे तो भी सब नियम दिखाओगे। बोले मैं त्याग को त्याग, और अब भी ढीले ढीले बोलने पा तो आप लोग हम क्या करें? अच्छा तो ठीक है, 8 दिन बाजार को मत खाइयो। बात तो ये है, कभी नहीं खाना। ठीक है तो भैया जोलो जब में बैठो तोलो, तुम अपने रात में मत खाइयो, बाद में खाइयो। ये कहां से आएगी? अब आप भी सोच लेते हो क्या करें, अनुष्ठान कराने हैं और लगे रहे जितने लगे तितने हैं। अब रोज नहीं छोड़ सका तो भैया 8 दिन तो छोड़ दो। और हम ये कहते हैं 8 दिन अच्छा लगे तो हमेशा के भी छोड़ लो। हम ये पूछ रहे, विचार करो, अब आपको कितने लोगों को नाश्ता की याद आ रही है? सच कह रहे हैं, ये चर्या रोज के लिए बनाओ, आप आपकी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी, आपकी से धर्म ध्यान के लिए तो लाभकारी होगी, बच्चों के लिए आदर्श होगी, और तुम्हारी ये आपके लिए भी लाभकारी होगी। आज भी कितने लोग ऐसे हैं थाली पर बैठ करके दो टाइम भोजन करते, हम ही नहीं कर पा रहे, ये कहने की बात नहीं कह रहे, लेकिन कितने लोग ऐसे थाली पर बैठ के दो टाइम भोजन करते, बस कितने लोग ऐसे हैं बस दाल रोटी खा रहे, हम साहब फल फल कुछ नहीं खा रहे और बिल्कुल स्वस्थ, कोई दिक्कत नहीं। और आपकी ऐसी साइकोलॉजी बनती जा रही, अब 8-14 से नहीं छूटेंगे फल, अब वो साहब स्वास्थ्य खराब हो गया। आप जानते नहीं हो, मन खराब करने से स्वास्थ्य खराब होता है। मन खराब करने से और ज्ञान न होने से, उधर आपने हरी बंद कर दी और आपने दिमाग पर लिया वो हरी नहीं खाई तो पेट खराब होगा। अरे भाई मेथी तो खाओ, आप हरी नहीं खा रहे तो गट्टा खाओगे, ऐसे जो दवाएं नहीं दब रहे, कड़ी खाओगे, खटाई बटाई डाल के खवाओगे, अब के पेट साफ नहीं, वो पेट साफ को काम ही नहीं हुआ, वो जब चमचा से चिपट रही है तो आंतन से तो चिपटेगी। हंसने की बात नहीं है, हम कह रहे हैं इन कामों ये आपका कोर्स बनाना चाहिए। आपको बच्चियां पढ़ेंगी, विवाह होंगे, उससे पहले बीच में खाली रहेंगी,
तो खाली समय का आपको कोर्स भी तो बनाना पड़ेगा। बे शिक्षा मतलब तो कौन सी शिक्षा ले, ये भी तो भाई इंतजाम करना सीखो। हम ये कहें बाजार का मत खाओ, बाजार का मत खाओ, घर का तो खा। कॉलेज छोड़ो, नौकरियां छोड़ो, गांधी जी ने ये व्यवस्था बनाई तो अपने विद्यालय खोले, अपने महाविद्यालय खोले, अपने विश्वविद्यालय खोले। वो बनारस वगैरह के विश्वविद्यालय उसी समय खुले हुए। वो नहीं पढ़ा तो ये पढ़ो ना। अब भाई यहाँ हम उतनी तनख्वाहें उस तरह से नहीं देखेंगे तो ठीक है, थोड़ा संतोष हम भी करेंगे, थोड़ा आप भी करो, समझाया बुझाया और कम तनख्वाहों में काम करना शुरू किया, कम व्यवस्थाओं में काम करना, देश के लिए क्या किया, देश स्वतंत्र हुआ। पद्धति आपको भी अपनानी है। हम ये कह रहे हैं हमारा अकेले का काम नहीं, ना मैं इतना अनुभव है सामाजिक दृष्टिकोण का और ना उतना। आप लोगों को बैठना चाहिए, समाज के अधिकारियों को, समाज के पदाधिकारियों को बैठना चाहिए। बैठ करके कोर्स वोर्स तैयार करो, व्यवस्था बनाओ, अनुशासन बनाओ। और ठीक है अपनी कोई मजबूरी है तो ये नहीं है उसको हम सही का सर्टिफिकेट दे। अपनी कोई मजबूरी में हो भी जाए तो ऐसा नहीं है वो सही हो गया, भाई ये हमारी गलती है, खत्म हो गई बात। हमको बैठे कभी कभी गुस्सा आ गई मान लो तो ये कोई सही है हमारा, अरे भाई गलती है, इसका मतलब ये हम कहें नहीं गुस्सा अच्छी चीज है, गुस्सा करना चाहिए। अब भाई क्यों ऐसा क्यों कह रहे, अब हम ही छोड़ नहीं छोड़ पा रहे तुमसे कहा कहें, ये कोई बात है। कभी कुसंग में बड़े लोग बीड़ी पीना सीख जाते तो बच्चों से तो नहीं कहते सो पियो, उनसे तो यही कहते बेटा अब हमारी आदत तो पड़ गई, बुरी पड़ गई, बुरी आदत है तुम मत पियो, तुम मत पड़ियो। जो आचरण आगम का अपने से नवी बन पाए तो भी यथार्थ उपदेश ही देना चाहिए, ये जिम्मेदारी उपदेश दाता की है। उपदेश को विकृत मत करो, समझ में ना, उस गलत को सही मत कर दो और मजबूर मत बनो, मजबूत बनो। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, अरे नहीं एक एक ग्यारह हो जाते हैं, कैसी बात है, हम क्या करेंगे। हम अपने को पाप से तो बचा ही देंगे और जिनको बचना होगा वो अकेला तो नहीं होगा, हमारे साथ हम हो गए उसके साथ कि नहीं, चिंता मत करो हम तुम्हारे संग हैं। तो दो तो हो गए, एक तो नहीं रहा ना। अब आप हमें अकेला छोड़ोगे तो आप अकेले रह जाओगे, हम क्या करें। हम अकेले कहाँ हैं बोलो, आ गया प्रसंग तो हम कह देवे। नियम ले लो विकृत, जो उल्टे आयोजन है उन आयोजनों में हम शामिल नहीं होंगे। हम ये कुछ नहीं कह रहे, हम शामिल नहीं होंगे, बोलो आप देखो क्या होता है। अब हम तो खुद ढीले और लिहाज कर रहे, भया था इसने लोभ का, भैया बे बुरो मानेंगे, बे ऐसो कहेंगे, अरे बुरा का मानने की क्या बात है, क्यों आप होटल पे खाओगे, इनके समझा अजी बुरो माने तो इनके बुरे मानने के कारण हम होटल पे खाने लगेंगे। तुम नहीं मानो तुम्हारी तुम जानो, हम तो नहीं खाएंगे, हमारे पास तो ये है तो हम खा रहे पी रहे। बुरा मानने के भय से क्या क्या करोगे ये तो बता दो। दुनिया के बुरा मानने का भय मत रखो, बुरा होने का भय रखो। दृष्टांत को गांठ बांध लो, बच्चा माँ से दूर अलग रह करके सुखी नहीं हो सकता, तो ये बताओ हम जिनवाणी से दूर रह करके सुखी कैसे हो पाएंगे। अरे अतीन्द्रिय सुख की बात तो अलौकिक है, अद्भुत है, इंद्रिय सुख भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा, भोग भी नहीं, रोगों में मरोगे, पाप के परिणाम से भोग भी नहीं रोग होते हैं, पुण्य से ये भोग होते हैं और ज्ञान से योग होता है।
क्या कह रहे भैया, ज्ञानी किसको कहते हैं, समझो भाई समझो, ज्ञान किसके लिए है समझो। है बड़ी जोर से प्यास लगी, मुश्किल से एक लोटा पानी मिलो, सुबह रेता में फेंकवे के लिए है, महा दुखी हो रहे हम, और महाभाग्य से हमको ये अवसर मिल गया, तो विषयों में कमाने के लिए है। पक्ष पोषण के लिए नहीं है, पाप पोषण के लिए नहीं है, ये जिनवाणी अनाज काल का मिथ्या पक्ष छोड़ करके सम्यक मार्ग में आने के लिए। समझ में आया ना, इसमें किसी का दोष नहीं है, हम इनको देख करके द्वेष करें और स्वयं दुखी हों, और बहुत ऐसा होता है, इन्हें पता भी नहीं हो, हम देख कर इनको मन बुरा करते रहे, मानता नहीं सुनता, अरे तो कहो ना, और नहीं मानने पर भी उसकी भविष्य का विचार करो ना, दुखी माने हम इसका परद्रव्य का लक्ष्य करके द्वेष करें, राग करें और स्वयं दुखी हो गए, ये तो कोई पत्थर से स्वयं अपना सिर फोड़े और रोए, ऐसा है, अंधे होकर के ऐसे चल रहे हैं और पत्थर से टकरा के गिर गए और गाली दे रहे पत्थर को। क्या सुंदर सिद्धांत है, कलश हमने पढ़ भी नहीं पाया अभी, आपकी जिम्मेदारी है आप पढ़ो। लौकिक में भी पिता के अधूरे कामों की पूर्ति करने की जिम्मेदारी बच्चों की है कि नहीं है, दुकान ही की नहीं है, पुत्र की जिम्मेदारी केवल पिता की जायदाद संभालने की नहीं है, पिता के लोकोपकारी कार्यों को समायो, पैसे ही नहीं बढ़ा है, कीर्ति को भी बढ़ा है, यश को भी बढ़ा है पिता को। एक व्यंगात्मक शैली में लिखा, पुत्र उसे कहते हैं जो पिता को बुला दे, ये अनियोक्ति अलंकार की शैली है, पुत्र उसे कहते हैं जो पिताजी को बुला दे, पिताजी का अभाव नहीं खटकने लगे, पिताजी बैठते थे अब आप बैठे हो लग रही है कहीं, और आप भी नहीं बैठे हो पिताजी, एक सोता कम हो गया आज को जो होते तो। मैंने पूर्ति हो गई कि नहीं हो गई नीचे से, हम ये पूछते ये कौन सी संस्कृति है, ये कौन सी फैशन है कि अम्मा के साथ चौका चला जाए, अरे अम्मा चली गई तो आप तो अम्मा बन गई ना, बहू आ गई बच्ची नाती हुए, आप अम्मा बन गई ना, तो ये कहां से, चौका तो ले नहीं गई, एक आध पटा ले गई हो तो बताओ भाई, एक आध चम्मच ले गई हो तो बता दो भाई, ये तो तुम्हारा प्रमाद है, तुम्हारा अविवेक है भैया, पिता को बुला दे माने पिता के आगे का आगे काम करे, ऐसे ही उत्तरोत्तर इस परंपरा को तीर्थंकर की धुनी सुनी और फिर बोलो टीकाएं करी विद्वानों ने, फिर प्रवचन करे, बताओ आप इस परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, निर्दोष परंपरा बढ़ाई। अरे समाज में क्या देश में भी हमारी जिम्मेदारी है, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, निर्दोष औषधि दान, निर्दोष औषधि का लिखा है उसमें दान, निर्दोष आहार, ये उद्योगपतियों की जिम्मेदारी है, निर्दोष सामग्री उपलब्ध कराएं, अपने पैसा के ही लोभ में नहीं पड़े रहें, पैसा ही संग्रह मत करते रहें, आपको कहें ये उल्टा सीधा मत खाओ तो सीधा तुम बनाओ, उल्टा खाना बंद तब हो जाएगा अपने आप। हमने परसों आपसे कहा था ना, उधर गुजरात में एक मंदिर में एक कमेटी बनाई, अब लोग समझदार
कि दिवाली के दिन भैया आप मिठाइयाँ खाएंगे तो सही, यहीं बुलाओ हलवाई और यहीं सामग्री अपनी बनवाओ, मैदा नहीं आटा ले और नहीं वो फलानी चीज ले, घी अच्छा बनाओ शाम को यहीं बनवाओ, जिनको चाहिए ले जा। अब बाजार से खरीदेंगे तो दो की आजीविका हो गई कि नहीं हो गई, दो की आजीविका बन गई कि नहीं बन गई, और आपको शुद्ध खाने के लिए मिलेगा दो रुपए ज्यादा लग गए तो क्या परेशानी, क्या बात है, कौन से गरीब हो रहे। उद्योगपतियों का ये सोच बनना चाहिए, सोच की कमी है, बादमा की कमी कछु नहीं है। अरे अपने अपना और अपने कुटुंब का पेट तो कुकरी सुकरी उभर ले है, ये कोई बात तो नहीं है, श्राव का चार तो नहीं है। तो हमारा ज्ञान राग के लिए नहीं है, ज्ञान का स्वभाव राग का निषेध करने का है, अज्ञान का सोच। तो महाराज ये राग होता ही ये अज्ञान का काम है। ये अज्ञान का काम है और उसमें उपाधेय पना और उसमें मगन रहना ये मिथ्या ज्ञान का काम है, ध्यान रखना हो। पूर्ण ज्ञान होने से पहले पूर्ण वितरागी हो ही जाएगा, निश्चित है ये। विचारना, खूब स्वाध्याय करो, एकाग्र होकर के स्वाध्याय करो, स्वलक्ष्य से स्वाध्याय करो और आचरण में लाने के लिए स्वाध्याय करो, चर्चा चर्या के लिए बढ़िया तो पड़ी। सोचो ऐसा हमारा जीवन बने कैसे, ये बात हमारे जीवन में से छूटे कैसे, आए कैसे, सब स्वाध्याय करना सार्थक है, क्वालिटी बनाओ। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख थे, या वाणी के ज्ञान से लोकालोक।